नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। अब चलते हैं खबरों की तरफ। लॉकडाउन से जहां सभी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, वही शासन के आदेश पर कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। आज नगर पंचायत तरौलिया में कोटेदार प्रदीप सोनकर द्वारा गल्ले का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो गल्ला, जिसमें 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल दिया गया। वहीं नगर पंचायत में 85 अंत्योदय कार्ड धारक हैं, जिनको 35 किलो की दर से खाद्यान्न का वितरण किया गया। कोटेदार शासनादेश के अंतर्गत सोशल डिस्टेंस का पालन कराकर निःशुल्क राशन वितरण कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश कुमार मिश्र ने क्या कहा। क्या इसमें पैसा भी मिल जाएगा? इसमें जो भी हमारे अंत्योदय कार्ड धारक हैं और जो पात्र गृहस्थी के भी जो कार्ड धारक हैं और उनका पंजीकरण श्रम विभाग में हुआ है या मनरेगा जॉब कार्ड है, उन सभी को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में हमारे 3 लाख हैं, अतरौलिया, अहरौला और कोलसा ब्लॉक, तीनों क्षेत्र में अधिकारी लगाए गए हैं, कर्मचारी लगे हैं और बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का वितरण कोटेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है। सर, क्वांटिटी कितनी मिल रही है, कितनी कितनी सर? अंत्योदय कार्ड धारकों को फूल की भाजी 35 किलो, 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, 35 किलो राशन मिल रहा है और पात्र गृहस्थी में पर यूनिट 5 किलो के हिसाब से गेहूं और चावल का वितरण किया जा रहा है। सर, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है? नहीं, किसी प्रकार से कोई किसी कार्ड धारक से कोई पैसा नहीं, इस बार कोई पैसा नहीं। सर, क्या जिसका कार्ड धारक ना हो उनका? सर,